फेवरेट प्रब, डू यू लाइक माय व्लॉग्स? सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है मंडे, तुम टाइटल देख के समझ ही चुके होगे कि आज तुम्हें हम दिखाने वाले हैं सावन का सोमवार इन कनाडा। यस, कि मतलब आज लास्ट सोमवार है सावन का। सो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होता है कनाडा में, तुम भी देखना। आई नो व्लॉग में भी ट्यूजडे वेंसडे को आ रहा होगा, बट इट्स फाइन, पहले वाला देख लेना मंदिर। बट अभी आप काम से फ्री हैं, पहले घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, चेंज कर लेते हैं एंड देन फिर नरेश को उठाते हैं। नरेश ने भी आज फास्ट रखा हुआ है, मेरा तो चल ही रहा है, 8th है और नरेश का आज है, उसने भी कहा कि लास्ट वाला रखूँगा। तो अब नरेश को उठाते हैं एंड देन फिर चलते हैं आप मंदिर, तुम्हें भी दर्शन करवाते हैं, हम भी दर्शन कर लेते हैं, हम भी ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, तुम्हें भी दिलवा देते हैं। ओके, लेट्स गो भाई। अब वही एक घंटे की ड्राइव है सरी की। सो टाइम हो चुका है 3:30, 3:30 बजे आप काम से फ्री होते हैं और अब 4:30 बजे आप पहुँचेंगे सरी। ऑलमोस्ट 4:32। सो अब चलते हैं एक बारी सरी पहुँचते हैं एंड देन मे बी रास्ते में रोकने भी पड़ेगी गैस स्टेशन भी। दिल हल्का हो जाता है जैसे ही बोलता हूँ मैं ये बात, बट क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। ये रास्ता देख रहे हो एकदम रेड, ब्लडी रेड हो रखा है और अभी भी 30 किलोमीटर की ड्राइव रह रही है एंड यहाँ पे हमारे 24 किलोमीटर। तुम्हारे भाई ने पता नहीं किस हौसले में चला तो दी इस पर कि देखी जाएगी, कोई नहीं हाईवे पे चढ़ा दी, अब देखो पहुँच पाते हैं या नहीं। लेट्स होप पहुँच जाए। ओ 23 हो गई पर यहाँ पे भी 30 ही है, देखते हैं आगे अगर एवरेज आएगी तो ठीक है, वरना एक एग्जिट लेके किसी गैस स्टेशन रोक लेंगे। लेट्स गो। एंड हमारे पुलिस वाले अंकल भी हैं वहाँ पे, वो देखो सुनो ना दिल कह रहा है, लालच बड़ी खूबसूरत भला है। सुनो ऐसा पुलोवर होता है कनाडा में, देखो भाई वो रहे अंकल जी, ये नहीं अंकल जी की गाड़ी। सुनो ना दिल कह रहा है, लालच बड़ी खूबसूरत भला है। तो भाई अब गाड़ी 1 किलोमीटर भी आने बंद हो गया, तो इसका मतलब पता है क्या है, जब किलोमीटर भी नहीं दिखाता यहाँ पे कि भाई अब हो गया गाड़ी राम भरोसे कि अब या तो चांद तक या शाम तक। तो अपन नो रिस्क टेकन, अब अपन चलते हैं गैस डलवाते हैं, पहला एग्जिट जो भी मिलेगा उसमें एग्जिट लेके तेल डलवा के निकलते हैं शांति से, नो रिस्क टेकन। क्योंकि ऐसी गाड़ियों में क्या दिक्कत है, ये हवा मार जाती है ऐसा कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है तुम्हें मैं समझा देता हूँ, ये मतलब कम पेट्रोल होता है तो वो झटके मारने लग जाती है और हवा हो जाती है उसमें, ऐसा कुछ समथिंग समथिंग, जितना मेरे को भी नहीं पता, बट हवा मर जाती है। तो अब हवा किसी को मार नहीं देते अपने आसपास, गाड़ी को भी नहीं। तो लेट्स गो। तो भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड अब चलते हैं, नहाते धोते हैं, निकलते हैं एंड आज मौसम बारिश वाला हो रहा है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो पीछे 2-3 दिन से मौसम बड़ा अजीब सा चल रहा है, 2-3 दिन पहले बड़ी गर्मी थी और आज एकदम थोड़ी ठंड भी होगी और बारिश भी हो रही है। सो मे बी दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सावन, क्योंकि सावन आया है। सॉरी नो जोक्स। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं आप मंदिर के लिए एंड नरेश को उठाते हैं। नरेश बेचारा वेट कर रहा है सुबह से, चल ने कुछ भी नहीं खाया हुआ क्योंकि फ्रूट्स ऑर्डर कर रहा था, घर पे फ्रूट्स पड़े नहीं थे और गाड़ी थी नहीं तो फ्रूट्स ऑर्डर कर रहा था, फ्रूट्स डिलीवर हो रहे थे पता नहीं $40 इतने का, तो बिना फास्ट के बिना किसी चीज़ के बंदा नॉर्मली नहीं खर्चता दिन के खाने पर, तो फ्रूट्स तो कैसे ही मंगा ले इंसान $40 का। तो सुबह से बेचारा भूखा बैठा है, देख रहे हो स्ट्रगल देख रहे हो कनाडा में, तभी कहते हैं लोग भूखे मर ले और कभी कभी रात रोज चिकन खा लें। चलो लेट्स गो, बेचारे को भाई को कुछ खिला के लाए, वहाँ पे मंदिर में बहुत सारी स्टॉल्स वगैरह होंगी, तुम्हें भी चल लेके चलते हैं। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। हाउ वाज योर लास्ट नाइट? इट वाज नाइस नाइट। दैट्स गुड टू नो। या ब्रो, लेट्स गो टू मंदिर। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपा पार्किंग लॉट में एंड पार्किंग लॉट भी पूरा भरा पड़ा आज, और एक अंदर पार्किंग लॉट है और एक ये वाला पार्किंग लॉट है, दोनों पार्किंग लॉट भरे हुए हैं। यहीं पे गुरुद्वारा है साथ में एंड यहाँ पे मंदिर है, फील सो गुड टुगेदर। बंदी हुई है जब मैं काम से आ रहा हूँ ना, शीशे थोड़े थोड़े ऐसे बुंदा वाली टप 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 थी, आराम में पता नहीं चला, हम सोए रहे पूरा नरेश का पूरा दिन का फास्ट चल रहा है बेचारे ने कुछ नहीं खाया, देखो रोक फास्ट नहीं कहते, रोज का डे था, कुछ खाना फ्रूट्स खाने होते हैं भाई।
रेगुलर डे इन कनाडा बना लिया तुम दो फास्ट के नाम पे. ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे रहता है. नाइस नाइस होना चाहिए. चलो देखते हैं वहाँ पे क्या. पहले मत्था टेकेंगे. दिस इज लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड उधर है शिव मंदिर. मतलब एक ही मंदिर के अंदर या पीछे. तो अभी पहले आप यहाँ चलते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद वगैरह देते हैं, यहाँ से टीका लगवाते हैं एंड देन फिर जाएंगे शिव मंदिर दूध चढ़ाने. एंड वहीं पे स्टॉल्स भी हैं. तो वही अंदर अपन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मत्था टेका है एंड अपने प्रसाद लिया. पर पंडित जी नहीं थे तो टीका रह गया. अब तुम्हें दिखाते हैं सावन वाला जो वहाँ पे शिव मंदिर दिखाते हैं और साथ में तुम्हें दिखाते हैं कि स्टॉल्स कैसी कैसी लगी हुई हैं. तो यहाँ पे लाइन अप है शिव मंदिर का. ये देखो यहाँ से शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पे स्टॉल था साइड में. सो नरेश पहले स्टॉल्स में चले के पहले लाइन में चले. लाइन में लग जा चलते लग जा लग जा. लाइन थोड़ी ठीक ठाक लंबी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, सही है. मूव कर रही है वो अच्छी बात है. एंड इधर चार पांच स्टॉल्स लगी हुई हैं और रोब्जा भी दिख रहा है मेरे को लोगों के हाथ में, जिसकी मेरे को क्रेविंग हो रही है बहुत जोर से. जोर से क्रेविंग हो रही है. अंदर हम भाग के जाऊँ और एक एक गिलास हो जाए. पहले मत्था टेकेंगे. अब तो मैं आ जाऊँ मंदिर अंदर से दिखाता हूँ मैं. अभी पहले हम दर्शन की लाइन में थे, अब हम भोजन की लाइन में लगेंगे. क्या है क्या पहले आगे जाके देख सकते हैं. पता लग जाए क्या है फिर उस हिसाब से लाइन में लगना है नहीं लगना. तो लाइन मेरे को लग रहा था पहले आइसक्रीम की, बट ये समोसों की लाइन है. तो आइसक्रीम इज गुड और मेरे को समोसा खा भी नहीं सकता मैं. सो आई एम वेरी गुड. रेश लगना लाइन में? नो ब्रो नो. समोसों के लिए? नो. देख आगे देखते हैं और क्या है उस हिसाब से देखते हैं. फेवरेट सॉरी. तो भाई इधर मिल रहा है रोज़ा, क्या मेरे कड़ी चावल आई गेस और आइसक्रीम मटर पनीर. एक और ना मेरे लिए भी. एक और बनता है. थैंक यू. सेकंड राउंड एंड यहाँ समोसे एंड वहाँ पे तो तुम देख लिए लड्डू और आइसक्रीम थी. टू मच शुगर हो गई वैसे तो. कोई बात नहीं पूरे दिन की सब तेरी है ना. तेरी पूरे दिन की है. प्रबर प्रब डू यू लाइक माई व्लॉग्स? How did you find them? From YouTube. From YouTube? Okay. So, which vlog did you watch? I watched with my brother, but I forgot. Oh, no worries. Thank you. Nice to meet you, Prabhar. भाई आप अभी पीयूष जोशी वाला काम होगा सुन है. बच्चे पहचानने हैं बच्चे. कंटेंट चेंज करना पड़ेगा. गालियाँ कम कर भाई. यहाँ पे एक और स्टॉल का सेटअप हो रहा है. तो ये लग रहा है मेरे को छोले भटूरे टाइप कुछ. नरेश तू तो खा ले यार. तू खाना नहीं? तो ये वापस जा रहे हैं मंदिर से एंड अपना अपने अपनी आइसक्रीम वगैरह उठा ली और खा ली. और बहुत अच्छा लगा अपने छोटे से सब्सक्राइबर से मिलके, वेरी नाइस फीलिंग. और अब चलते हैं आप खाना उठाते हैं अपना. इस गाड़ी का सफ़र थोड़ा लंबा है बट इंशाल्लाह पूरा होगा एक दिन. और ऐसे मंदिर में लेके आएंगे हम भी. फिर देख तो लेंगे. अभी खोल दे. प्रेजेंट कब देगा? बड़ा नोटी बच्चा है ये. बड़ा नोटी बच्चा है. इधर ही इधर 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 आ तो सही. ओ इधर आ इधर आ. नाम क्या है तेरा? मेरे को लगता है इसको बोलूं नहीं कभी. थैंक यू. इधर आइए इधर.
खराब हो जाएंगी, ये खराब हो जाएंगी। वापिस रख क्या, अब वहाँ पे रख क्या, इधर वापिस रख क्या। क्यूट बच्चा है और ऊपर से वेरी जोली है, डर डर भी नहीं रहा, अच्छी बात है, घुल मिल रहा है। वापिस रख क्या इसको, मैं रख के आता हूँ, मैं रख के आता हूँ। स्मार्ट गाय, गुड 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 गुड। मेरे को गिफ्ट कर रहा था क्या, मैं पी लूँ, मैं पी लूँ प्लीज, पी दे, पी लूँ, दोनों भाई पीते हैं, पिए। ओए तो भाई डिनर उठा लिया अपने, तवा रोटी प्लेन एंड दही, सो ये खाएंगे एंड अपना करेंगे पूरे आठ के आठ व्रत एंड। सो चल घर जाके करते हैं वीडियो को एंड, लेट्स गो। तो भाई अभी कनाडा में बारिश हो रही थी, हो रही है मतलब अभी अभी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि यार स्कूटी क्यों नहीं है, स्कूटी ऐसे ऐसे करते हुए भगाते हुए निकल जाते हैं। फिर उसी टाइम नरेश को याद आया, जो जो छींटे लगती थी ना छाती में एकदम बड़ी जोर से बारिश से, खट 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 पटापट, थपेड़ों की तरह छाती लाल हो जाती थी। और मेंबर है याद है, अभी तो वो फील हुआ एकदम से, ऐसे सोचते हैं उन्होंने झंझनाहट हो गई शरीर में, लेकिन वो भी क्या लाइफ थी, स्कूटी से ऐसे निकल जाते थे साइड साइड से और फिर अगली ब्रेक मारते स्लिप। इतने एक्सीडेंट हुए ना भाई मेरे स्कूटी पर, तो इतने ज्यादा कोई साहब नहीं, एक्सीडेंट तो एक यंग स्कूटी का नहीं तभी डाली थी जेन्युइनली मजाक नहीं, ये हां ये वाला जो नगद नहीं उसी लिए डालते हैं, पता नहीं मतलब किसी लिए डालते हैं, घर वालों ने ऐसे पंडित जी से पूछ पूछ के डलवाई थी, पहले तांबे में डलवाई फिर सोने में, फिर उसकी वजह से टच फुट नहीं हुए ना हुए, मेरे वाला मस्टैंग वाले दिन मैंने उतार दी थी, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, होता तो फोल्ट अपना निकल जाता, बट लेकिन मेमोरीज स्कूटी से पोर्शे का सफर, पोर्शे से दोबारा स्कूटी का सफर ना आ जाए, इंडिया जाके आएगा कभी ना, भी तो आएगा। तो ये फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हुआ क्योंकि कल रात बहुत लेट सोया था एंड सुबह जल्दी उठ के काम पे भाग गए। सो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, लाइक से सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, कल न्यू डे न्यू शेनिंगेंस जो वर्ड होता है बढ़िया सा न्यू चीज़ें, सी यू बाय, मिलते हैं फिर कल अच्छे से कॉन्टेंट और भी के साथ, और भी अच्छे कॉन्टेंट के साथ, सी यू बाय। और बताना तुम्हें कैसा लगा कैनेडा का मंदिर और कैनेडा में सावन सेलिब्रेशन, ओके बाय बाय, लव यू ऑल।